हेलो दोस्तों, मैं हमीर और आपका मैं स्टीव पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इंडिया साउथ अफ्रीका दौरा करेगा 2018 में। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस दौरे में कितना मैच खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा और कब से खेला जाएगा, ये सब BCCI ने घोषित कर दिया है। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा, तो जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, BCCI और CSA यानी कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका दोनों बोर्ड के बीच इस दौरे को डेट को लेकर खिटफिट चल रही है, लेकिन CSA ने कंफर्म कर दिया है कि इस दौरे में फुल सीरीज खेला जाएगा। इस दौरे में 4 टेस्ट, 5 ODI और 3 T20 खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस दौरे को डेट के लेकर क्यों खिटफिट चल रही है। इसका कारण है, इस साल के अंत में इंडिया अपने घर पे कुल 23 मैच खेलेगा। आप अगर 23 मैच के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, ये 23 मैच के बाद BCCI चाहता है कि टीम इंडिया 10 दिन रेस्ट करे अपना पहला टेस्ट खेलने से पहले साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। तो दोस्तों, ये 23 मैच का सिलसिला 17 सितंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। तो इस डेट के मुताबिक इंडिया का पहला टेस्ट 6 या 7 जनवरी को शुरू होगा, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका चाहता है कि ये टेस्ट 2 या 3 जनवरी शुरू हो जाए केप टाउन शहर से। इसका कारण, CSA चाहता है कि ये टेस्ट एक न्यू ईयर टेस्ट हो और अपने सारे दर्शक इस टेस्ट का मजा ले सके अपने न्यू ईयर हॉलीडे पे। अगर 6 या 7 जनवरी से टेस्ट शुरू होगा तो सबका हॉलीडे तब तक ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज एक रोमांचक टेस्ट सीरीज होने वाला है। इसका कारण है, टेस्ट रैंकिंग के पहले है इंडिया और दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, तो ये एक टक्कर की टेस्ट होगा दोनों टीमों के बीच। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2 या 3 जनवरी शुरू होना चाहिए या 6 और 7 जनवरी टेस्ट शुरू होना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़े इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ये चैनल है MSC YouTube, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए अलविदा।